प्रॉपर्टी डीलर हत्या के मामले में निषाद पार्टी के संजय निषाद पहुंचे मृतक के घर, कहा प्रशासनिक अधिकारियों से हुई है बात, जल्दी होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने एसटीपी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नौकायन केंद्र का किया निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के लिए दिया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमबीए और बीबीए के छात्रों ने लगाया प्रोफेसर गोपीनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप, कहा लगातार डीन कर रहे हैं अपनी मनमानी। यूपी और उत्तराखंड के सीमा शुल्क के आयुक्त शिव कुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग ने 290 केस में 29 करोड़ 4 लाख का किया है सीजर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। पूरे देश सहित महानगर में भी हुआ दलितों पर अत्याचार के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, रखा मौन व्रत। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने तक दी आंदोलन की चेतावनी। स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन, वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गोरखपुर में फिर मौसम ने ली करवट, बढ़ी शहरवासियों की सांसत। मध्य प्रदेश के दुर्ग में सिंधी युवक को हथकड़ी लगाकर शहर भर घुमाने का सिंधी समाज ने किया विरोध, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौरव खट्टर ने की प्रेस वार्ता। और जगदम्बा प्रसाद पांडे स्मारक 5th SI U16 जिला स्तरीय हॉकी क्रिकेट का हुआ उद्घाटन मैच लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने 7 के मुकाबले 4 से जीता।